What's up guys, संजोत की here, welcome to IFL. दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए कुछ रेसिपीज आपके लिए बना रहा हूँ. तो आज बना रहा हूँ मैं परफेक्ट नान खटाई की रेसिपी. नान खटाई अक्सर दिवाली के सीजन में बनती है, वैसे भी बना सकते हो लेकिन दिवाली में ज़्यादा बनती है घरों में. और ये बहुत ईजी रेसिपी है जिससे एकदम परफेक्ट नान खटाई बनती है. और इस वीडियो में स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पास एक OTG ओवन नहीं है, तो ओवन के बिना भी ये कैसे बना सकते हो एक कढ़ाई के अंदर, वो भी शेयर करने वाला हूँ. और जिनके पास ओवन है ओवन वाला भी मेथड बता रहा हूँ, तो दोनों मेथड आज बता रहा हूँ. सिंपल रेसिपी है, नान खटाई कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. यहाँ पर मैं आधा कप शक्कर जो है मेजर करके एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रहा हूँ. इस शक्कर को भी आपको एकदम फाइनली एक पाउडर में पीस लेना है. एक बड़ा सा बोल लीजिए और इसमें एक छन्नी लेकर इसके अंदर जो पीसी हुई शक्कर है वो ऐड कर दीजिए. और शक्कर को अच्छे से छान लीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रह जाए. एक बार आपने शक्कर को छान लिया है फिर इसमें इक्वल क्वांटिटी यानी कि आधा कप घी आपको ऐड करना है, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा और 1 teaspoon इसमें दही ऐड करना है. अब ये सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से आपको अच्छे से फेंट लेना है. लगभग आप 50 बार गिनोगे, 50 बार के लिए आपको फेंटना है, उतना फेंटना है ताकि ये अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए. आप देख सकते हो मैंने अभी इस मिक्सचर को अच्छे से फेंट लिया है. अब इसके अंदर आपको मैदा ऐड करना है, तो 1 cup यहाँ पर मैदा मैं ऐड कर रहा हूँ, वो भी छान के ही ऐड करना है. मैदे को इस तरीके से छान कर ऐड कर लीजिए. अब आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है. तब तक मिक्स करना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं. एक बार इस स्टेज पर ये आ जाए तब अपने हाथों को यूज़ करके इसको अच्छे से आपको कंबाइन करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए. थोड़ा सा इसको गूंद दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए. तो आप देख सकते हो ये अच्छे से एक साथ आ गए, एक डो जैसे ये तैयार हो गया है और हमारे नान खटाई का डो जो है रेडी हो गया. अभी इसे हमें शेप करना है. अब एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए इस डो का और अपने हाथों में इस तरीके से एक राउंड तैयार कर लीजिए. एक बार ये अच्छे से राउंड हो जाए तब आपको इसको हल्के से इस तरीके से प्रेस करना है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है. और इस तरीके का एक शेप बन जाएगा. इसी तरीके से आप सारी जो नान खटाई है उसको इक्वल पोर्शन में ऐसे शेप कर लीजिए. अब आपको एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है या बेकिंग पैन ले लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से एक बटर पेपर लगा देना है. बटर पेपर लगाकर थोड़ी थोड़ी दूरी में आपको नान खटाई रखनी है, एकदम पास में नहीं रखनी है. थोड़ी सी एक्सपांड होती है तो ये चिपक जाएंगी. इस तरीके से बेकिंग ट्रे पर सारी नान खटाई को फैला लीजिए. अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं पिस्ता और बादाम मैंने जो स्लीवर्स में कट किए हुए हैं वो डाल रहा हूँ. तो ऐसे बस थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डालिए और हल्का सा प्रेस कीजिए. अगर होल नट जो है पूरा आप बादाम इसके ऊपर या काजू डाल रहे हैं तो मिल्क में, दूध में डिप करके आपको लगाना है. ऐसे डाल रहे हैं तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं. तो एक बार ये सेटअप रेडी हो गया है तो पहले आपको मैं अभी ओवन में इसे पकाना बता रहा हूँ. एक 170 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में सेंटर रैक में इस ट्रे को प्लेस कर दीजिए और आपको लगभग 12 से 13 मिनट के लिए इस नान खटाई को बेक करना है. तो 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं. आप देख सकते हो हमारी जो नान खटाई एकदम परफेक्टली बेक हो गई, एकदम परफेक्ट शेप, एकदम परफेक्ट कलर आ गया है. अभी इसे बस काउंटर पे इसी तरीके से रहने दीजिए थोड़ी देर तक, 2 से 3 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तभी इन्हें निकाल लीजिए. ज़्यादा समय तक रहने दोगे तो कई बार बटर पेपर पे चिपक जाती है और ये हमारी नान खटाई जो है वो रेडी हो गई. तो नान खटाई आपने देखा एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स रखते हैं और फटाफट कुछ ही मिनटों में ये रेडी हो गई है. अब नान खटाई के ऊपर होल नट्स भी लगाए जाते हैं, कई बार एक क्रॉस ऐसे डिज़ाइन भी बना लिया जाता है. तो जैसे आपको पसंद है वैसे कीजिए. मुझे ऐसे स्लिवर्ड नट्स डालना पसंद है तो मैंने वो आज वैसे इसको गार्निश किया है ऊपर से. नान खटाई जो है आपको सर्व करने से पहले अच्छे से ठंडी कर लेनी है. एक बार ठंडी हो जाए तभी सर्व कीजिए. मैं तो बीच में एक दो ऐसे चोरी करके खा लेता हूँ गरम गरम, वो भी मज़ा आता है, एकदम कुकी वाला टेक्सचर आता है. तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया है ओवन वाला. अब जिन लोगों के पास ओवन नहीं है इसे बिना ओवन के कैसे बेक किया जाता है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ओवन तैयार कर लेते हैं. एक बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई के अंदर आपको बेसिक अपना जो घर का नमक होता है वो ऐड करना है. यहाँ पर मैं जो नमक ऐड किया है वो मैं बार बार बेकिंग के लिए यूज़ करता हूँ और इसको अलग ही रख देता हूँ. अब आपको इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट होने देना है. अब साइड पर एक थाली ले लीजिए, थाली के ऊपर एक बटर पेपर लगा दीजिए और सेम तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी में इन नान खटाई को सेट कर लीजिए. एक बार आपकी कढ़ाई वाला जो ओवन है वो प्री हीट हो गया है तो ढक्कन निकाल कर ऐसे एक यहाँ पर मैं एक रिंग ले रहा हूँ, आप एक स्टीमिंग का जो वो स्टैंड आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो प्लेस कर दो, ऊपर से थाली प्लेस कर दो और ऊपर से फिर से ढक्कन लगा दो और लो फ्लेम पर आपको अभी लगभग 20 से 25 मिनट तक इन नान खटाई को बेक करना है. तो लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं. आप देख सकते हो हमारी जो कढ़ाई वाली नान खटाई भी है वो भी उसी तरीके से सेम तरीके से बेक हो गई है. सेम तरीके से इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए,
ठंडा करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स प्लेट आवर नान खटाई वाईफल स्टाइल। परफेक्ट वाली नान खटाई एकदम सिंपल तरीके से बिना ओवन के और ओवन में दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब कई सारे लोग नान खटाई के अंदर बेसन या सूजी का भी इस्तेमाल करते हैं। बेसन थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होता है, हल्का सा रंग के लिए होता है, और सूजी जो है वो क्रंच के लिए होता है। मुझे तो ये वाले भी मेथड से सिर्फ मैदे से भी काफ़ी क्रंची लगती हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रंच और ऐड करना है तो एक टेबल स्पून इसके अंदर रवा डाल दीजिए, थोड़ा सा मैदा निकाल दीजिए और आपकी नान खटाई परफेक्ट बनेगी। और मेरे हिसाब से यही वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत अमेजिंग बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो ये नान खटाई की रेसिपी। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दीज ब्यूटिफुल नान खटाईज एट योर होम। चीयर्स।